नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। दिल्ली की दुकानें कौन सी खुलेगी और कौन सी नहीं, इसे लेकर कंफ्यूजन था। हालांकि खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कंफ्यूजन दूर कर दी है कि अब दिल्ली की सभी दुकानें खोल दी जाएंगी, कोई भी ऑड इवेंट का चक्कर नहीं है। साथ ही दिल्ली में यह भी नियम था कि एक ऑटो पर एक ही सवारी यात्रा कर सकता है, या ई रिक्शा पर हो या ग्रामीण सेवा। इस नियम को भी अब खत्म कर दिया गया है। दिल्ली में हालांकि सैलून को खोल दिए गए हैं, लेकिन स्पा को फिलहाल बंद रखा गया है। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए हमने कहा भी ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पति, पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले, तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो इस किस्म के रिस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी।